सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। पिछले दो ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया है मल्टी सेक्शन सॉलिड के बारे में, और उसके बाद रेशियो और कपलिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे कपलिंग में वर्टेक्स के बारे में। सो मैं मैकेनिकल डिजाइन, पावर डिजाइन, देन किसी भी प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल, एग्जिट, और इस प्लेन को मैं सिलेक्ट, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके मैं इससे एक और प्लेन ऑफसेट कर लेता हूँ। ओके, इस प्लेन पे मैं कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सागन, सो एग्जिट। अब आप अगर इन दोनों को करना चाहेंगे तो कभी भी इनका क्लोजिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में मिल पाएगा। अगर सेम डायरेक्शन हो भी जाए, रिप्लेस एट हेयर, तो यह रिप्लेस नहीं होगा। और जब क्लोजिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो यह बनेगा ही नहीं। एंटी क्लॉकवाइज प्रीव्यू, तो ये बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे वर्टेक्स में जाएंगे। वर्टेक्स में मैं उससे पहले इसमें पॉइंट जनरेट करना होगा, तो मैं इनको डबल क्लिक करके मैं इक्वल डिस्टेंस पॉइंट जनरेट कर लेंगे, सिक्स। ओके, एग्जिट। अब मैं इन्हें दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अब क्लोजिंग पॉइंट से करेंगे। क्लोजिंग पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो मैं इसे, इसका क्लोजिंग पॉइंट मैं इसे यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे दे देते हैं, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में करके। अब मैं यहाँ पे कपलिंग वर्टेक्स में जाएंगे। वर्टेक्स में जाने के बाद कपलिंग ऐड करेंगे, कपलिंग वन, इसको इससे रिमूव ऑल, ऐड इस पॉइंट को इस पॉइंट से, देन सभी पॉइंट को यहाँ से मैच कराते चले जाएंगे। फाइनली इस पॉइंट को इस पॉइंट से प्रिंट करके देखते हैं, ये नहीं ले रहा है। क्लोजिंग पॉइंट दोनों का सेम डायरेक्शन में है, वर्टेक्स कपलिंग प्रीव्यू, दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में है। मैं फिर से बना के देख लेते हैं, इसे एंड एंटी क्लॉकवाइज रिप्लेस कहाँ पर है, इस यहाँ पे है, तो इसे यहाँ पे कर देंगे। कभी कभी यहाँ पे दो पॉइंट जनरेट हो जाता है, तो मैं इसे भी रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करके मैं इसे पे यहाँ पे दे देते हैं। अब मैं कपलिंग में जाएंगे, कपलिंग में वर्टेक्स, इस पॉइंट को वर्टेक्स में कपलिंग यहाँ पे ऐड करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, पॉइंट टू पॉइंट, कवर कर लेंगे। सो अब प्रीव्यू करके देखेंगे, तो यह इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इसको
शेडेड विद एज में कन्वर्ट कर देंगे तो यह क्लियर दिख पाएगा। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ से पार्ट डिजाइन, सो अब मैं हेक्सागन एग्जिट इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके ऑफसेट कर लेंगे, ऑफसेट इतने डिस्टेंस पे रिपीट, ओके वन टाइम एंड ओके। तो एक और प्लेन जनरेट हो गया। मैं इस प्लेन पे कुछ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, वही सर्कल इक्विडिस्टेंस पॉइंट 6, ओके एग्जिट। दिस प्लेन पे कुछ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं और जब पर मैं फिर से हेक्सागन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके एग्जिट कर लेते हैं। अब मैं फिर से वही करेंगे, मल्टी सेक्शन सॉलिड तीनों को, अब क्लोजिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट इसका यहाँ पर है। अब इसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको रिप्लेस करके मैं इस पॉइंट पे कर देंगे। अब इसी के सीधे में मैं इसे रिप्लेस दिस पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, इसे भी रिप्लेस दिस पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब मैं यहाँ से कपलिंग वर्टेक्स कपलिंग ऐड कर देंगे, मैच करते चले जाएंगे। पांच कपलिंग मेरे पास चार ही है, एक और रिमूव कर लेते हैं, ओके चार हो गए, चार बनाए ऐड करेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते चले जाएंगे। और मैं इसको ओके, तो अब मैं प्रीव्यू करूँगा तो यह बन जाएगा, ओके। और मैं अगर किसी सेलेक्ट विद एज, अब देख सकते हैं पूरी तरह से मैच है, अगर आप कुछ और भी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी सेक्शन सॉलिड, इसमें अपने अकॉर्डिंग कपलिंग दे करके कोई भी पैटर्न ड्रा कर सकते हैं, बस वही क्लोजिंग पॉइंट एक सीध में होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसके बाद ही हम कपलिंग ड्रा करेंगे। सो सब कुछ ठीक लग रहा है तो हम इसको ओके कर लेते हैं। सो अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा मॉडल बनके तैयार हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम कवर करेंगे किसी भी अलग अलग सेक्शन को किसी स्पाइन के अकॉर्डिंग किस तरह से उसको मूव कराते हैं और किसी गाइड कर्व के अकॉर्डिंग किस तरह से अपना सॉलिड मॉडल तैयार करते हैं, तो सब कुछ कवर करेंगे। और इसके ऑलरेडी मैं कुछ पार्ट अपलोड कर चुका हूँ तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टी सेक्शन सॉलिड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, समझने के ऊपर डिपेंड है, तो मिलते हैं, ओके। एनी डाउट सो कमेंट बिलो इन द चैट बॉक्स।